ओके स्टूडेंट्स, देखिए अपना टॉपिक कहाँ तक पहुंचा था। अरण्य स्टोरी अपना जो टॉपिक चल रहा, अपना जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 5 चल रहा था, एसिड एंड बेस। अब बताइए इससे पहले क्लास कहाँ तक पहुंची थी मुस्कान? यस सर, अरण्य स्टोरी है। अरण्य स्टोरी क्या बोल रहे हो? आरएनएस थ्योरी चल रही थी, तो आरएनएस थ्योरी में हमने एसिड के बारे में देख लिया था। चलो मैं ही बता देता हूँ, आरएनएस थ्योरी चल रही थी उसमें हमने एसिड के बारे में देख लिया था। अब अपन देखते हैं बेस के बारे में, देखिए कि बेस क्या होता है। तो अब देखिए बेस, बेस देखो, तो स्टूडेंट्स बेस जो होता है यानी कि दो सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस आयन, विच रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं क्या OH माइनस आयन, ठीक है, इन एक्वेटिक सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर क्या करते हैं, ये OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं, उसे हम कहते हैं बेस कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, यानी बेस आर दो सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस आयन इज नोन एज हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन इन वाटर और एक्वेटिक सॉल्यूशन। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ यानी एक्वेटिक सॉल्यूशन एंड इट डीकम्पोज इन या डिसोसिएट इन सोडियम प्लस आयन एंड हाइड्रोक्सिल माइनस आयन। अनदर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वेटिक सोल्यूशन, देन इट डीकम्पोज इन पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, इट डीकम्पोज इन पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। स्टूडेंट्स नोट दैट अगर आप लोग यहां एक्वेटिक नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, यहां वाटर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ओके, तो देखिए किस में डिकम्पोज होगा, अमोनियम प्लस एंड हाइड्रोक्सिल माइनस। क्लियर? और कोई एग्जांपल? वेरी गुड, नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड किस में होगा, कैल्शियम प्लस 2 और 2OH माइनस 2 हाइड्रोक्सिल माइनस, आप इसको चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, एक ही बात है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड होगा मैग्नीशियम प्लस 2 एंड 2OH माइनस, मैग्नीशियम प्लस 2 एंड 2OH माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपके, ये सब एक्वेटिक सॉल्यूशन में है, ठीक है ना, ये सारे के सारे किस में है, एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर है। हाँ समझ में आ गया, हाँ भाई स्टूडेंट समझ में आ गया ऑनलाइन? यस सर आ गया। यस सर। हाँ यस सर। वेरी गुड पलक। यस सर। ठीक है, तो अब देखो अगर किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। नो सर। ओके, तो देखिए फिर उसके बाद में आगे देखते हैं अपन। एक मिनट स्टूडेंट। हाँ भाई यहां तक हो गया, समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद में
बेस के बारे में अपन बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए, मोस्टली बेस आर फर्दर मोर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, फर्दर मोर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है ऑनलाइन? हेलो, जो स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग हो रिएक्शन के अंदर, ना ना, मतलब जो डिवाइड अच्छे से होते जब उनका मुस्कान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ना ना, देखो स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल देख लो पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगे, या वही चीज होगी, एग्जांपल वही डेफिनेशन होगी जो मैंने एसिड में दी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, दोज एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन इट्स एक्वेटिक सॉल्यूशन, इन इट्स एक्वेटिक सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी वही होंगे कि दोज बेस विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, जिसको वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पूरी तरीके से आयनाइज हुआ या नहीं हुआ, कुछ बचा क्या इसमें, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गए स्ट्रॉन्ग बेस। इसी प्रकार वीक बेस वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, यानी कि दो सब्सटेंस विच पार्शियली आयनाइज इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, जो क्या होते हैं एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, पूरी तरीके से जिसका आयनाइजेशन नहीं होता है, यानी प्लस माइनस में पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एग्जांपल आप किस में दे सकते हो, वीक बेस के अंदर दे सकते हो, ठीक है ना, ये एग्जांपल आप किस में दे सकते हो, वीक बेस के अंदर दे सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ स्टूडेंट्स, नहीं सर, कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड। तो इसको मिटा दूं आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो? यस सर। ओके, आगे देखिए, बेस हो गया, आरएनएस कंसेप्ट हो गया अपना क्लियर, ओके। तो आरएनएस कंसेप्ट हो गया है क्लियर। अब नेक्स्ट है ब्रोस्टेंट लोरी, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ब्रोस्टेंट लोरी। देखिए आगे, ब्रोस्टेंट लोरी क्या कहता है? अब देखिए लोरी की थ्योरी क्या कहता है, ब्रोस्टेंट लोरी कि एसिड जो है, जैसे कि आरएनएस ने मैंने बताया, आरएनएस ब्रोस्टेंट लुईस ये जो भी है, ठीक है, इनकी थ्योरी अलग अलग हो सकती है, तरीका अलग अलग हो सकता है, मींस एक ही निकलेगा एंड में जाके देखना, बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले देखिए ब्रोस्टेंट लोरी कहता है कि एसिड क्या होते हैं, एसिड प्रोटॉन डोनर, यानी कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन का क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एसिड कहते हैं, यानी एसिड आर दो सब्सटेंस विच डोनेट द प्रोटॉन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड।
अब देखिए फिर उसके बाद में यानी इसको कहते हैं प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। फिर आता है बेस, बेस आर दो सब्सटेंस विच अशेप द प्रोटॉन, ठीक है, विच अशेप द प्रोटोन, या दो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ठीक है, दो सब्सटेंस विच डोनेट द प्रोटॉन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, एंड दो सब्सटेंस विच अशेप द इलेक्ट्रॉन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन कॉल्ड बेस। क्लियर? तो बेस क्या हो जाएगा, प्रोटोन अशेप्टर, प्रोटोन अशेप्टर, बेस होता है प्रोटोन अशेप्टर। अब देखिए कुछ एग्जांपल, देखो कैसे इसको पहले एक जनरल से ले लेते हैं, जैसे एच ए, ये कोई एच ए क्या है, कोई एसिड है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई एक एसिड है, प्लस बी बेस, ये क्या हो गया, बी क्या है, बेस, ये क्या करेगा, एच, एच क्या है प्लस और ये है माइनस, तो ये एच को क्या करेगा, डोनेट करेगा एच प्लस को, एच प्लस क्या होते हैं, आरएनएस ने भी तो बताया था ना एच प्लस, और इसने एच प्लस को क्या बोल दिया, क्या कह दिया इसने एच प्लस को, प्रोटोन नाम दिया, ठीक है, और आरएनएस ने इसको एच प्लस बोला था, ब्रोंस्टेड लोरी ने इसको क्या कह दिया, प्रोटोन कह दिया। तो देखिए जब यह है एच प्लस देगा तो किसके पास चले जाएंगे, बी के पास, तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस, ए माइनस हुआ या नहीं हुआ, भाई जब किसी चीज से प्लस हट जाता है तो वो माइनस होगा या नहीं होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बताया था कि जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी सब्सटेंस पर, उस पर क्या साइन आ जाता है, प्लस, अगर उसमें से प्लस निकल जाएगा तो माइनस, ठीक है, हालांकि प्लस वैसे नहीं निकलता है लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, और एच किस पर चला गया, बी के ऊपर, जब बी की, बी प्रोटॉन को ले लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है ना, क्लियर। तो इधर देखो तो ए क्या हो गया, एसिड, और बी क्या हो गया, बेस। अब एक चीज और याद रखना, ए एसिड है तो ए ने क्या बनाया, ए माइनस, और बी बेस है तो बी ने क्या बनाया, एच बी प्लस, तो ये जो है ना, ये एच ए एसिड ने क्या बनाया, ए माइनस, इसको कहते हैं कंजुगेटेड बेस, उल्टा नाम हो जाएगा, तो इसका क्या नाम है, कंजुगेटेड बेस, इसका नाम है कंजुगेटेड बेस, और इसका क्या नाम है, कंजुगेटेड एसिड, उल्टा हो जाएगा, देखो ये एसिड है तो ये क्या है, एसिड है तो ये क्या है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, और ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो देखो ये बेस क्या बनाएगा, कंजुगेटेड एसिड, और ये एसिड क्या बनाएगा, कंजुगेटेड बेस बनाएगा। क्लियर? अब इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे वाटर है, एग्जांपल देखो, जैसे वाटर है, ये इस वाटर ने अमोनिया के साथ रिएक्शन की, क्या किया इसने, अमोनिया के साथ क्या किया इसने, रिएक्शन की, तो देखो क्या होगा, तो ये बनाएगा, ये है वाटर, क्या करेगा अपना H प्लस आयन, देखो एक बार इधर, देखो एक बार वाटर कैसे बनता है, H प्लस और OH माइनस, ऐसे तो बनता है, तो ये क्या करेगा अपना प्रोटोन, यानी H OH ही तो होता है वाटर, ये अपना H प्लस आयन यानी प्रोटोन डोनेट करेगा, और किसके पास चला जाएगा, इसके पास, तो यहाँ पर वाटर किसके रूप में काम कर रहा है, एसिड, और ये बेस, तो क्या बनेगा, ओ एच माइनस और NH4 प्लस, OH माइनस और NH4 प्लस के रूप में यह बनेगा। तो बोलो ये क्या हो गया, प्रोटॉन और ये, वेरी गुड, तो एसिड कौन सा हुआ इसमें, एसिड कौन हुआ, ये होगा, ठीक है ना, वाटर प्रोटॉन डोनर है ना, तो ये क्या है, प्रोटॉन डोनर, तो ये किसके रूप में काम करेगा, एसिड के, किसकी तरह काम करेगा, एसिड, और यहां पर ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये क्या हो गया, बेस, इसको आप क्या बोलोगे,
बेस बोलोगे। क्लियर। अब देखो इसमें से कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस कौन सा है, बोलो भाई ये क्या है। हाँ ऑनलाइन, हेलो, यस सर, आवाज नहीं आ रही है क्या? यस यस सर। हाँ ये क्या है, ये कंजुगेटेड एसिड है या बेस है? बेस। और ये एसिड, एसिड कौन सा एसिड वो बोलो। नहीं आया सर, बोलिए भाई। तो देखो ये एसिड ठीक है, इसने क्या बनाया, ये बनाया, तो इसका नाम हो गया कंजुगेटेड, कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस। और ये क्या है, बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बोलो भाई क्या नाम हो जाएगा, कंजुगेटेड एसिड। ये क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड हो गया। क्लियर। हाँ भाई स्टूडेंट्स आपको भी समझ में आ गया क्या? नहीं सर। हेलो। हाँ मुस्कान आ रहा है क्या समझ? हेलो। नहीं सर नहीं आया। है? नहीं आया। क्यों कैसे? नहीं सर नहीं आया। अच्छा ठीक है। श्रुति हेलो सर, इसके अंदर एक कंजुगेटिव बेस और ये एसिड वाली समझ में नहीं आया। अच्छा एसिड बेस तो आ गया क्या समझ में? हाँ वो तो आ गया। तो देखो ऐसे समझ लो आप कि जो एसिड होते हैं ना, बाहर रहो, बाहर खड़े हो जाओ सामने। हाँ तो मेरे को ये बताओ कि जो एसिड होती है ना, हेलो, हाँ यस सर, जो एसिड होते हैं ना उसको तो आप कंजुगेटेड बेस कह दो, और जो बेस होते हैं उसको कंजुगेटेड एसिड कह दो, ठीक है ना? हेलो ओके सर। हाँ सर आवाज ही नहीं आ रही थी पहले, अब आ रही है क्या? हाँ यस सर। हाँ अब बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एसिड होता है ना उसको तो आप कंजुगेटेड बेस बोल दो। हाँ। जो एसिड होता है उसको तो आप कंजुगेटेड बेस बोल दो, और जो बेस होता है उसको कंजुगेटेड एसिड बोल दो। क्लियर? ओके सर। हेलो हेलो। हाँ अगर जवाब दे रहे हो तो ठीक है, फिर मैं हाँ इधर देखो भाई ध्यान से, अब आप लोग ही बताओगे मुझे कि फिर देखिए, अब एक एग्जांपल और देखिए इधर ध्यान से समझो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, अपना प्रोटॉन किसको दे देगा, वाटर को, ठीक है ना, किसको दे देगा, वाटर को दे वाटर देगा को। तो क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस और हाइड्रोनियम, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए ये क्या बना रहा है, ये, और ये क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो बोलो ये तो हो गया एसिड और ये क्या हो गया, बेस, इसको क्या कहेंगे, बेस। अब मुझे बताओ प्रोटॉन डोनर कौन सा है, ये क्या है? हाँ ऑनलाइन प्रोटॉन डोनर, और ये प्रोटॉन डोनर, ये क्या है, एक्सेप्टर। हाँ बोलो भाई मुस्कान, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसका नाम है प्रोटॉन डोनर, एक्सेप्टर, और इसका क्या नाम है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। अब मुझे ये बताओ कि जब ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेटेड बेस। हाँ और ये कंजुगेटेड एसिड, एसिड, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ये एसिड है ना, तो इस एसिड ने ये बनाया, तो ये क्या हो गया, कंजुगेटेड बेस। तो ये हो जाएगा कंजुगेटेड, बोलो भाई, बेस,
बेस कंजुगेटेड बेस और ये बेस इसने क्या बनाया हाइड्रोनियम आयन तो ये क्या हो गया कंजुगेटेड एसिड एसिड ठीक है इसने बनाया कंजुगेटेड एसिड क्लियर एसिड तो ये हो ब्रोस्टेंट कंसेप्ट ठीक है ना यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है नो सर देखिए हेलो किसी को पूछना है क्या आप में से नहीं सर सर समझ में आ गया यस सर यस सर वेरी गुड अब देखिए आगे नेक्स्ट है लुईस कंसेप्ट ध्यान से समझना है स्टूडेंट लुईस कंसेप्ट थोड़ा टफ पड़ेगा अब पहले इसकी वो देख लो लिमिटेशन कि ये थ्योरी भी थोड़ी फेल हो गई थी ठीक है ना इसके ड्रॉबैक क्या थे या फिर हम कह सकते हैं इसकी लिमिटेशन कि ये इस थ्योरी ने बता दिया प्रोटॉन के हिसाब से और एसिड और बेस को डिफाइन तो कर दिया लेकिन कुछ इसने बता दिया कि एसिड क्या होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस क्या होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एच प्लस आयन होते ही नहीं है ठीक है एच प्लस आयन होते ही नहीं है तो फिर वो भी एसिडिक और बेसिक की तरह बिहेव करते हैं जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है और भी कई सब्सटेंस है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो ये सब एसिडिक नेचर क्यों करते हैं तो इसमें तो प्रोटोन या एच प्लस आयन होते ही नहीं है होते हैं क्या तो फिर ये एसिडिक नेचर कैसे क्यों करते हैं इस चीज के बारे में ग्रोस्टेट लोरी ने अपनी कंसेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया फिर उसके बाद में देखिए लास्ट जो कंसेप्ट आया है एसिड और बेस के बारे में वो आया लुईस कंसेप्ट लुईस कंसेप्ट अब एक चीज आपने इनमें देखी होगी तीनों ही थ्योरी के अंदर देखिए पहले मैं इसमें बता देता हूं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है एसिड और बेस के बारे में देखिए कि इसने बताया कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ठीक है ना एसिड क्या होते हैं जो तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ठीक है ना एसिड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और बेस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर बेस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर अब इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये कहीं क्या बोल रहे हैं कभी क्या बोल रहे हैं यही दिक्कत आप लोगों की आती है ये मन सो लेफ्ट कैसे हो रहा है हाँ आ रही है क्या समझ में आप लोगों के यस सर आ रहा है यस सर ठीक है देखिए अब ध्यान से समझो मैं जो चीज बता रहा हूं तो फिर क्या होगा कि एसिड तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और बेस क्या होते हैं बोलो भाई क्या होगा बेस इलेक्ट्रॉन डोनर है ना अब वो बोल रहा प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन डोनर वो उधर आरएनएस उधर वो कह रहा है बोले कि वो एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन गड़बड़ हो गई ना लेकिन मीन्स एक ही समझो आप समझो कि एसिड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा एसिड पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज अब देखो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो एसिड पर नेगेटिव चार्ज आया ब्रोस्टेड लोरी ने क्या किया प्रोटॉन डोनर तो जब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया यही आरएनएस कहता है एच प्लस आयन डोनेट करता रिलीज करता तो एच प्लस आयन रिलीज करेगा तभी तो इस पर माइनस आया तो मतलब एसिड पर माइनस चार्ज होता है उसको चाहे कैसे भी बोल दो कि माइनस चार्ज कैसे आ सकता है प्रोटॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऐसे तो आएगा बेस पर कौन सा चार्ज आता है प्लस चार्ज बेस पर क्या आता है प्लस चार्ज अब प्लस चार्ज कैसे आएगा या तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्लियर अब एक रिएक्शन देखो ये रिएक्शन वही है जो आप लोगों को मैंने नाइन्थ क्लास के अंदर आपको याद है क्या आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे याद है क्या यस सर यस सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवाया था मैंने ठीक है ना
क्या करवाया था मैंने आप लोगों को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवाई थी। तो देखिए अब जैसे कि बी एफ थ्री प्लस एन एच थ्री, बी एफ थ्री प्लस एन एच थ्री, हाँ जी। अब देखिए अमोनिया के स्ट्रक्चर पर ये दो पॉइंट, इसका मतलब ये लोन पेयर है। इसका क्या नाम होता है? लोन पेयर, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई भी सबस्टेंस हो उसका क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको 9th में बताई थी ना कि चाहे वो कैसे भी करो तो उसका क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वह या तो इलेक्ट्रॉन को लेता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखिए अमोनिया का ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट और ये दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसको कहते हैं लोन पेयर। बी एफ थ्री का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा बी एफ थ्री और एन एच थ्री, बी एफ थ्री एन एच थ्री। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड 9th क्लास के अंदर उसमें देखना मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्ट एसिड। और ये क्या हो गया? बेस। इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। क्लियर? यस सर। इसको कहेंगे एसिड। यस सर। बेस। अब इस बेस पर अपन देखो एसिड और बेस की नई डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। एसिड और बेस की क्या करेंगे? नई डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो इसने बोला कि एसिड क्या होता है, और फिर देखिए अब न्यू डेफिनेशन देखते हैं अपन एसिड और बेस की। यहाँ लिखवा दूंगे, यहाँ दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो अब नई डेफिनेशन देखिए एसिड और बेस की। एसिड क्या होती है? एसिड क्या होती है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा बताओ भाई? जिसके पास कमी होगी वही तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही तो एसिड होंगे। आया क्या समझ में? हाँ यस सर। यस सर। तो एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो देखो कौन कौन से होंगे इसके एग्जांपल? एक तो यही हो जाएगा बी एफ थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे क्या है? लुईस एसिड के ही बस। ये सारे के सारे क्या है? लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। फिर है लुईस बेस। लुईस बेस की ओर ले लो एग्जांपल। लुईस बेस जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच क्या होगा? लुईस बेस कहलाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिच क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। दूसरी चीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिसके पास क्या होंगे? लोन पेयर होगा। जिसके पास लोन पेयर होगा, जैसे एग्जांपल देखो वाटर H2O, ये है इस पर लोन पेयर, ठीक है ना। इस पर क्या है? ये लोन पेयर, ठीक है। इसी प्रकार से अमोनिया NH3, ये रहा लोन पेयर। इसी प्रकार से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, आयोडाइड, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, और भी जितने भी नेगेटिव वाले हैं ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? लुईस बेस के। तो एग्जांपल एग्जाम में स्टूडेंट ये पूछते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस के एग्जांपल भी पूछते हैं, इनके कंसेप्ट भी पूछते हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार भी पूछे थे, ठीक है, लेकिन पूछे हुए हैं।
तो काफी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, एसिड और बेस से रिलेटेड। तो लुईस वाला स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कल नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उसमें आप पूछ लेना, ठीक है। आरएनएस, ब्रोंस्टेट और लुईस अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।